नमस्कार, मैं हूं मेघा सिंह और आप सभी का स्वागत है नेक्स्ट नाइन लाइफ में। फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे कई सितारे हैं जो एक्टिंग की दुनिया में कदम तो बड़े धमाकेदार तरीके से रखते हैं, लेकिन आगे चलकर या तो वो खुद इंडस्ट्री से दूरी बना लेते हैं या इंडस्ट्री उनसे दूरी बना लेती है। ऐसी ही एक एक्ट्रेस है नरगिस फाकरी, जिन्होंने अपनी डेब्यू फिल्म रॉकस्टार से लोगों का दिल जीत लिया। उसके बाद एक्ट्रेस कुछ और फिल्में और आइटम नंबर्स में नजर आई, लेकिन वो जलवा नहीं दिखा पाई जो उन्होंने रॉकस्टार में कर दिखाया था। बल्कि एक समय तो ऐसा भी आया जब नरगिस मुंबई छोड़कर न्यूयॉर्क ही वापस लौट गई। ताकि अब नरगिस वापस मुंबई आ गई है, पर उन्होंने ऐसा क्यों किया ये एक्ट्रेस ने खुलकर बताया है। एक इंटरव्यू में नरगिस ने बताया कि कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि उनके ऊपर काम का ज्यादा दबाव हो रहा था, जिसकी वजह से वो बहुत स्ट्रेस में थी और कहीं ना कहीं ये कारण था कि उन्होंने बॉलीवुड से दूरी बना ली। साथ ही वो अपने दोस्तों और परिवार को भी मिस कर रही थी, इस वजह से भी वो वापस न्यूयॉर्क लौट जाती है। हाल ही में नरगिस फाकरी ने अपने इंटरव्यू में आगे कहती है कि मुझे याद है साल 2016 और 17 में मुझे इस बात का एहसास हुआ। मैंने महसूस किया कि इस काम से मुझे खुशी नहीं मिल रही है। मैंने बैक टू बैक फिल्मों में काम किया, इस दौरान और भी बहुत कुछ हो रहा था मेरी लाइफ में। मैं इससे रोकना चाहती थी और इस वजह से कहीं ना कहीं मैंने मुंबई से और फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बनाने की सोची। मैंने महसूस किया कि अपने दिमाग और शरीर के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए इसे रोकना होगा, और इसलिए उन्होंने ये इतना बड़ा कदम उठाया, ऐसा नरगिस फाकरी का कहना है। वहीं नरगिस आगे कहती है कि कई बार अकेले रहना मुश्किल होता है, इंसान होने के नाते आपको सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है, इसलिए मैं न्यूयॉर्क वापस चली गई थी। मैं लंबे समय से अपने दोस्तों और परिवार वालों से मिली नहीं थी, इसलिए जब मैं वापस गई तो मैंने उनके साथ बहुत सारा वक्त बिताया और अब मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ और फिर से काम पर लौटने की तैयारी कर रही हूँ। तो कहीं ना कहीं नरगिस ने बातों बातों में कह दिया है कि वो फिल्म इंडस्ट्री में वापस एंट्री मारने की सोच रही है। आज के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन लाइफ। धन्यवाद।